आजकल के संघर्षमय जीवन में काफ़ी सारे लोगों को चिंता आती है, एंजाइटी होती है और वैसा ही बहुत डिप्रेशन भी आ रहा है। तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हर एक का जीवन सर्वाइवल का हुआ है। सर्वाइवल मतलब ऐसा है कि बस, ऐसा बोलते हैं ना अंग्रेजी में हम, कि टू एंड्स मीट करना, मतलब 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलाने का है। जीवन काट रहे हैं, जीवन जी नहीं रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। काफ़ी लोगों को चिंता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कोरोना की वजह से आए हुए हैं। लोगों को काफ़ी कर्जा हो चुका है, कैसा फेड़ना कर्जा उसके बारे में चिंता है। नौकरी नहीं है, नौकरी है तो पगार आधे हो चुके हैं और इकोनॉमी कब लाइन पे आएंगे लोगों को मालूम नहीं है। तो चिंता तो होती है लोगों को और वो चिंता से फिर घबराहट, बेचैनी और उसके साथ साथ फिर बहुत डिप्रेस भी लोग हो जाते हैं, रिजाइन हो जाते हैं, सिनिकल हो जाते हैं। रिजाइन मतलब कि अभी इसमें कुछ होने वाला है नहीं, अपन कुछ आगे बढ़ने वाले हैं नहीं, लोग तो मांगने वाले बहुत आ रहे हैं, काफ़ी सारा लोन है, अब कैसा होगा, इससे अच्छा मैं मर गया तो अच्छा है, लोग सुसाइड भी कर डालते हैं। तो उसमें से रास्ता निकालना बहुत कठिन है। हमको क्या करना है कि हमारे आसपास में ऐसे कोई लोग हैं कि जो लोग ऐसा कुछ निराशा के विचार बोलते हैं, चिंता के विचार बोलते हैं, घबराहट है, बेचैनी है, डिप्रेस्ड है, खुदकुशी के विचार बोलते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा नज़र रखना चाहिए। ऐसा कुछ रहा तो डॉक्टर के पास में तुरंत लेकर जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास में लेकर जाओ। काम पड़ा तो उनको दवाई चालू करो, नहीं तो साइकोथेरेपी करो और उनका इलाज करो। मगर ऐसे लोग हमारे पास में जल्दी आते नहीं हैं, क्योंकि एक तो वो खुद बोलते हैं कि मुझे ऐसी तकलीफ है, बोलते होते ना ये तो नॉर्मल है, तो ऐसा होने वाला ही है। एक्चुअली वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ है, डिप्रेशन बीमारी है ये उनको पता नहीं है। समझो वो बोलते हैं हाँ, तो फिर घर वाले बोलते हैं अरे तेरे को कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा चिंता करता है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो घर वाले लोग उनको दबा देते हैं। और समझो वो निकले दोनों भी बाहर, तो फिर समाज के लोग भी है कि सोशल स्टिग्मा है, साइकेट्रिस्ट के तरफ कैसा जाना है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे भी लोग साइकेट्रिस्ट की तरफ आते नहीं है। और फिर मालूम पड़ता है कि उसने तो खुदकुशी कर लिया, मर गया। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है, इसमें लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को तुरंत इलाज करना, उनको साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, मैं हिप्नोथेरेपी करता हूँ और ज़्यादा यदि रहा तो उनको दवा देते हैं और उनका इलाज करते हैं। ये रिएक्टिव डिप्रेशन है या न्यूरोटिक डिप्रेशन है कि जिसमें उनको नींद ना आना, भूख ना लगना, निराश और हताश होना और ऐसे निराश के विचार आना, नकारात्मक विचार आना, निराशावादी, कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, आगे चल के सब बुरा होने वाला है, कुछ ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं है, सब बुरा होगा, ऐसा बुरे बुरे ख्याल आना और रोना आना, बहुत सैडनेस, दुखी हो जाना, ऐसा उनको लगता है। और ये काफ़ी लोगों को है। अभी तो कुछ ऐसी स्टडीज़ है कि जो बोलते हैं कि 100 में से 25 लोगों को डिप्रेशन है। अब 25 मतलब हर 4 व्यक्तियों में एक व्यक्ति को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब देखिए, हर तो व्यक्ति जा सकता नहीं साइकेट्रिस्ट के पास में, साइकेट्रिस्ट इतने लोगों का इलाज भी नहीं कर सकते, इसलिए हमने उनको सपोर्ट देना और ज़्यादा लगा तो तुरंत डॉक्टर के पास में ले जाना हमारा कर्तव्य है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।